नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और आज की जो ये वीडियो है, इसका जो बनाने का मेन मोटिव है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना पीएफ ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जब मैंने बनाया तो मुझे कुछ कमेंट्स आए, वो कमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग जो कुछ मेरे दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि जब आप सर आप जो यूएन नंबर का जो पोर्टल है, अप्लाई करने से पहले यूएन नंबर और साथ में पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करते हैं, तो वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपका पासवर्ड है वो कौन सा है, मेरा कौन सा पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड डाला है मुझे वो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो मैंने उनको कुछ रिप्लाई किया, मैंने उनको बताया कि आप जब अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करते हैं उसी टाइम आपको पासवर्ड उसका मिल जाता है। तो उनका एक और क्वेश्चन साथ में आता है कि सर मैं जब यूएन नंबर एक्टिवेट करता हूँ तो वो यूएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेटेड बताता है। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन है, ये कमेंट मेरे को बार बार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आपको एक वीडियो बना के क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम उस सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम का गूगल सर्च इंजन ओपन करना है और यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में आपने UAN टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करते हैं तो आपके पास कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसमें से सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट है UAN EPFO, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, वो पेज आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे यूएन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, साथ में पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है और साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबको यूएन नंबर तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मेरा यूएन नंबर ये है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। साथ में कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे पासवर्ड कौन सा डालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पासवर्ड है ना, वो जब आप यूएन नंबर अपना एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पासवर्ड मिल जाता है। यूएन नंबर एक्टिवेट कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको आपके लिए एक लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि जब मैं यूएन नंबर एक्टिवेट करता हूँ तो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिखाता है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस केस में करना क्या है। आपने यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में साइन इन और रीसेट के ऑप्शन के नीचे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए होता क्या है और कैसे करना है। ये देखिए, मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में आ जाऊँगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैं वेट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि मेरे सामने ओपन हुआ है। तो आपने यहाँ पे यूएन नंबर में एंटर करना है सबसे ऊपर पे। यूएन नंबर एंटर करने के बाद तो यूएन नंबर मेरा है वो मैं एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। ये मेरा यूएन नंबर है, मैंने एंटर किया। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एंटर कैप्चा कोड आएगा ऑप्शन, उसमें जो ऊपर पे आपको ये दिख रहा है, शो हो रहा है, आपने सेम एज इट इज में आपने एंटर कर देना है। वाई अगर देखेंगे तो आपका कैपिटल में है, तो वाई मुझे यहाँ पे कैपिटल में डालना पड़ेगा। अगर जे देखेंगे तो स्मॉल में है, स्मॉल, यू भी स्मॉल में है, सिक्स और आर यहाँ पे कैपिटल में है। तो मैंने सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे एंटर कर दिया है। साथ में आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और उसके लिए आपने करना है वेट। देखिए दोस्तों, लोडिंग हो रही है, तो आपने थोड़ा वेट करना है जब तक ये लोडिंग लेता है। तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ रहा है कि मैंने जो ये कैप्चा कोड था वो मैंने यहाँ पे गलत एंटर किया है, तो मैं उसको दोबारा से ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ पे सही कैप्चा कोड एंटर करूँ। फिर मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, टाइम इतना ही लेता है, तो आप जब भी करें तो
वेट करिए, ये देखिए। तो अब मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूएन नंबर लिखा हुआ है जो आपने एंटर किया था, आपको पता ही है। नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो अगर आप देखेंगे तो पूरा मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स दिए हुए हैं और लास्ट के 2 डिजिट दिए हुए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डू यू विश टू सेंड ओटीपी ऑन द अवर मोबाइल नंबर, क्या आप इस ओटीपी को आपके जो ऊपर का मोबाइल नंबर है उस पर आप सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे येस नो का ऑप्शन आता है, आपने सिर्फ येस करना है, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर येस का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, वेट करिए। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही टाइम लेता है, तो हमने वेट करना है, करना पड़ेगा। ये देखिए लोडिंग होने लगी, आप देखिए ओटीपी जो है मेरे मोबाइल पे नंबर पे सेंड हो चुकी है। तो मैं वेट करूंगा कि मेरे को ओटीपी आया है नहीं, उस ओटीपी को मैं देखूंगा। मेरे को पास ओटीपी रिसीव हो चुका है और मैं ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ओटीपी एंटर किया और यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ वेरीफाई कर दूंगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन केस आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी यहाँ पे है, वहाँ से आप रीसेंट कर सकते हैं। तो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैंने यहाँ पे एंटर किया और वेरीफाई कर दिया। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो सेम उतना ही मेरे को टाइम लगेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपने बार बार क्लिक नहीं करना है, वन टाइम क्लिक करके आप वेट करिए, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ही लगता है, ये देखिए वेरीफाई हो चुका है, नीचे लिखा भी आ गया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों ये खुशखबरी है आपके लिए, अगर आपको पासवर्ड नहीं आता तो ऐसे फॉरगेट करके आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जैसा आपने सेम टू सेम जो पासवर्ड आपने ऊपर एंटर किया है वही आपने नीचे भी एंटर करना है। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया है, और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होगा अगर वो आप देखना चाहते हैं तो शायद हमें आप न्यू पासवर्ड के साथ में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर आपने सिर्फ कर्सर लेके जाना है अपना, जैसे लेके जाते हैं तो नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन पढ़ सकते हैं कि आपका पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से पढ़ के यहाँ से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो डायरेक्ट नीचे मैं सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देखिए मैंने सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो वेट करिए क्योंकि आपको पता ही है इसमें टाइम लगता है, ये देखिए लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बार बार उस पर क्लिक नहीं करना है आपने। ये देखिए सीधा यहाँ पे मेरे को आ गया है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इजीली आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना यहाँ पे यूएन नंबर आप एंटर किया और मैंने जो न्यू पासवर्ड यहाँ पे ये डाला है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सेम कैप्चा कोड आपने वही डालना है जो ऊपर पे है, और यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन पे क्लिक करते हैं देखेंगे प्रोसेसिंग हो रही है और आपने वेट करना है। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आ गया है पासवर्ड गलत का ऑप्शन, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप दोबारा ट्राई करिए क्योंकि कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया है, तो ये देखिए दोस्तों मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मेरा जो मेन मोटिव था वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम आगे से नहीं आएगी। मैंने जैसे बताया बहुत इजी तरीके से बताया है, आप इजीली कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब समझदार है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया है तो समझदार ही होंगे। चलिए दोस्तों, तो बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।